अस्सलाम वालेकुम, ये सेकंड वीडियो है स्कीमा सीरीज़ की। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह वेबसाइट स्कीमा मार्कअप को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वर्डप्रेस में और इसका फ़ायदा क्या है। तो इसका फ़ायदा बेसिकली ये है कि ये आपका ब्रांड नेम इधर शो होता है और ये नीचे एक सर्च बॉक्स शो होता है। तो ये दोनों चीज़ें सिर्फ ब्रांड वेबसाइट्स के लिए हैं और ये जो छोटी मोटी वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर नहीं वर्क करती। ये जब आपकी वेबसाइट एक ब्रांड बन जाती है बड़े लेवल की, मतलब लाखों लोग चलाते हैं, तो फिर ये शो होती हैं दोनों चीज़ें। तो इसके लिए सबसे पहले आपको प्लगइन की ज़रूरत होगी। प्लगइन हम ये वाला प्लगइन इस्तेमाल करते हैं स्कीमा के लिए, मार्कअप जेसन एलडी स्ट्रक्चर्ड इन स्कीमा और बाय कजोया टेकामी। तो इसमें हम जाएंगे इधर वेबसाइट के ऊपर, इधर हम इसको अनेबल करेंगे, होम पेज सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपकी वेबसाइट का नेम और यहाँ पे उसका यूआरएल, उसके बाद ये है सर्च बॉक्स का, यहाँ पे आपने इसको टिक करना है और जाना है अपनी वेबसाइट की सर्च पे। तो सर्च पे जाएंगे, इधर कुछ भी लिख दें, तो ये एस इक्वल टू के इक्वल टू से स्टार्ट करना है और पीछे जितना भी कोड है वो आपने लिख लेना है और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, उसके बाद सेव चेंजेस कर देनी है। अब हम केस क्लियर करेंगे, अब इसे चेक करेंगे। गूगल डाटा स्ट्रक्चर टेस्टिंग टूल, ओके। सो ये वेबसाइट का न्यू अपीयर हुआ है और ये देखें ये और शो हो रहा है इसका सर्च बॉक्स, सर्च एक्शन का और ये सारा डाटा बाकी। तो इसमें कोई इशू नहीं है, उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको समझ आ गई होगी। नाउ सब्सक्राइब एंड फॉलो अस फॉर मोर वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।